आज के हमारे ये क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू डिवाइड एग्जैक्टली, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड दिस लीव्स लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल। चार तरह के क्वेश्चन हैं, मैंने जल्दी जल्दी पढ़े हैं, आप ध्यान से पढ़ लेना। उसमें मतलब क्या है कि हमें एक डिविडेंड दिया है और एक डिवाइजर दिया है, राइट? एक डिविडेंड दिया है और एक डिवाइजर दिया है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो नीचे कुछ रिमाइंडर बचेगा, नीचे कुछ रिमाइंडर बचेगा। राइट? अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन दो तरीके से है कि इस डिविडेंड में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें या क्या ऐड करें कि ये रिमाइंडर जीरो हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? तो अब मैं लेती हूँ, मैं तो आपके बुक के क्वेश्चन हटा रही हूँ, मैं कोई और ले रही हूँ। मान लो 700 है, इसे मैंने 11 से डिवाइड किया, तो इसमें मैं क्या प्लस करूँ कि ये 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, या इसमें क्या माइनस करूँ कि ये 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। यही कॉन्सेप्ट हमारा प्लेइंग विद नंबर्स में भी दोबारा से यूज होगा HCF LCM के क्वेश्चन में, तो इसलिए इसको ध्यान से याद रखना। पहले हम सिंपल डिवाइड कर लेते हैं, ओके? सिंपल डिवीजन तो आती ही होगी सबको, ओके? ये आप डिविजिबिलिटी ध्यान से करना, हम इंटरेस्टेड है रिमाइंडर में। हो गया क्लियर? अब नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें? नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 700 सो दैट इट इज फुली डिविजिबल बाय, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11, जो नीचे रिमाइंडर है वही आंसर है। 7 माइनस कर दोगे ना, 7 एक्स्ट्रा बच रहा है ना। अब नंबर टू बी एडेड का अलग आंसर है, नंबर टू बी एडेड का अलग आंसर है, 7 तो है ही है, एक्स्ट्रा और क्या चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाए, तो 11 माइनस 7, 11 इसमें से डिवाइजर में से रिमाइंडर माइनस कर दो, क्योंकि ये हमें और चाहिए। ये सब्ट्रैक्ट मतलब हटाना, ये एक्स्ट्रा रहा है हमें हटाना है, ऐड मतलब डालना उसमें और ऐड करना, तो वो एक्स 7 तो है ही है, और क्या है 7 माइनस 4, अगर आप इसमें 4 ऐड कर दोगे तो ये एग्जैक्टली, देखो 4 ऐड करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा ना, वो 44 एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, ओके? चलिए अब विच इज द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, क्या? पहले डिवाइड कर ही लेते हैं, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, देखो डिवीजन ठीक है, 8 सिंगल साइन में ही कर रहे हैं, ठीक है, तो सिंगल साइन कन्वर्ट करना, इसको सिंगल साइन ढंग से लिख, जो बीच में साइन आ रहा है वही ऊपर डालेगी। मैम मेरा ये था, मतलब डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव होंगे ना इसमें, तो ये ऊपर आ जाएगा तो माइनस का 6 बन जाएगा ना। अब जो सही रहोगे वो कर देते हो, यही कर देती हो, डिवाइड करो, एकम 7 कितना बचा, 7 चौक 28, ये देखिए डिवाइड वाला केस है। अब इसमें क्या है आपका, इसमें है कि अब ये 2 बच रहा है ना, तो अब ये सब्ट्रैक्ट तो मैं कर नहीं सकती क्योंकि 98 आएगा, वो एग्जैक्टली 7 से डिविजिबल तो है लेकिन वो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर नहीं है, तो इसमें कौन सा केस लूंगी, ऐड। ऐड क्या करना है, 7 माइनस 2 5, तो इसमें 5 ऐड करना है ना, तो आप लिखोगे द रिक्वायर्ड नंबर इज 100 प्लस 5 105। हो गया क्लियर? तो ये 4 क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं आपके, इसको ध्यान रखना।